की पीड़ित तो लड़की घटनास्थल पर खुद चलकर पहुंची पुल तक और एक ऑटो पर बैठकर पहुंची। राजू नाम के इस ऑटो ड्राइवर से आज तक ने बातचीत की। राजू यादव, ये बताएं कि किस समय लड़की टेम्पो में बैठी थी, आप उस समय कौन सी लोकेशन पर थे? 12 बज के वो 1:05 पर बैठी। कहाँ पर थे, कहाँ से पिक किया और उसके आगे का क्या घटनाक्रम था? हम अकबरपुर स्टैंड से चलते हैं तो 10 मिनट में गाड़ी वहाँ से चलती है, तो 5-7 मिनट अलापुर मोड़ खड़ी होती है, उसके बाद वहाँ से चलती है। फिर 1:05 के करीब वो लड़की वहाँ से बैठी और धवाला स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे 3 लेडीज सरकारी स्कूल धवाला स्कूल वहाँ से बैठी। फिर उससे आगे एक सवारी और बैठी थी सावड़ी से, फिर 5 सवारी उमरेन से बैठी थी। उसके बाद तो जब वो लड़की बैठी थी तो उसने बताया कि वो कहाँ जाना चाहती है कुछ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी पर कुछ इशारे से कन्वे किया आपको? उन्होंने हाथ दिया था, रोड पे खड़ी थी तो हाथ दिया, मैंने रोक ली, वो बैठ गई। उसके बाद मैं चल दिया। फिर धवाड़ा स्कूल पे 3 सवारी और मिली थी लेडीज, वो टेम्पो में बैठ गई। उसके बाद 1 सवारी सावड़ी मिली थी। अच्छा, फिर 5 सवारी उमरेन में मिली थी। कुल कितनी सवारियां थी गाड़ी में उस समय? 13 सवारी थी सर। और ये बताएं कि ये जो लड़की है मूक बधिर, वो कहाँ पर उतरी थी, कितनी दूर है वो जगह अकबरपुर से? 20 किलोमीटर है और वो मोनिया की प्याऊ उतरी थी। अच्छा, तो अलवर पुलिस ने आपको बुलाया था, क्या कुछ पूछताछ हुई आपसे, ये बताएं, क्या आपको हिरासत में लिया गया था पुलिस द्वारा? हाँ, मेरे को वहाँ बुलाया गया था। उसके बाद मेरे से पूछताछ की कहाँ से कितनी कितनी सवारी बैठी थी और कहाँ उतरी थी। तो ये कहा जा रहा था पहले आपसे जब पुलिस ने बुलाया, आपने इस बात से इनकार कर दिया कि लड़की आप ही के साथ जिस गाड़ी में आप थे वो बैठी थी वहां पर, ऐसा क्यों किया आपने? मैं डर गया था सर, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया सर मेरी गाड़ी में बैठ के आई थी। ये जो पूरा कहा जा रहा है कि घटनाक्रम हुआ उस लड़की के साथ, कथित तौर पर बलात्कार की बात कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि कौन इस, क्या आपको लगता है कि कोई लोकल इसमें शामिल हो सकते हैं? सर मैं नहीं जानता किसी को, मेरे को अनुभव नहीं।